हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमरिल प्लेटफॉर्म। होप यू डूइंग वेल। तो आज हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिलेटेड क्लास नंबर 5 है। आज की क्लास में हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि अटॉर्नी जनरल की पोस्ट क्या होती है और इसका काम क्या होता है। ठीक है, जब कल की क्लास मैंने अपलोड की थी 5 बजे के करीब, मैंने आई थिंक वो क्लास अपलोड की थी कि 5 या 6 बजे के टाइम पर मैंने उसको शेड्यूल कर रखा था, 5:15 बजे का शायद कुछ तो ऐसा शेड्यूल था। ठीक है, जैसे ही वो अपलोड हुई तुरंत मुझे थोड़ी देर के बाद इतने ईमेल आए, बहुत सारे ईमेल आए, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो है क्लास में वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा होगा, मेरा आवाज़ ही नहीं आ रहा होगा। शायद हो सकता है कि मैंने सिस्टम का माइक ही ऑन नहीं कर रखा और फिर शुरू कर दिया और मुझे पता ही नहीं चला, ऐसा समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं था, मुझे लगा कि कोई टेक्निकल ही प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज इतने धड़ाधड़ ईमेल्स आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैंने ईमेल ओपन किया, वैसे मैंने ईमेल बहुत देर को ओपन किए बिकॉज मैं जिम में थी जिस टाइम पर वो ईमेल आ रखे थे, तो जिम में थी मैं, और फिर मैं घर पर आने के बाद मैंने उसको ओपन किया तो देखा तो ऑलमोस्ट सारे जो SCI के है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के जो बच्चे हैं उन्हीं के ईमेल थे, और कुछ ईमेल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बच्चों के कुछ डाउट्स थे उनके ईमेल थे। तो मैंने सबके रिप्लाई तो कर दिए, लेकिन ईमेल में ऐसा था, और मुझे ईमेल पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है। जड़ से जो है प्रॉब्लम कुछ इस तरह से, जैसे मैंने कल की क्लास में कहा था कि मैं MS Office पढ़ाऊंगी, है ना, मैं MS Office पढ़ाऊंगी कंप्यूटर नॉलेज में। तो कंप्यूटर नॉलेज तो 25 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा 25 मार्क का एकदम पोर्शन है ना ये 25 का, तो सिर्फ MS Office पढ़ने से तो होगा नहीं। लेकिन मैंने क्या सोचा कि आप लोगों को बेसिक आता होगा, आप लोगों को वायरस पता होगा, आप लोगों को बाकी सब कुछ पता होगा, नेटवर्किंग क्या होता है, सारे इश्यूज एंड ऑल सब कुछ पता होंगे, और MS Office सिंपल पढ़ा के हो जाएगा, ऐसे मुझे लगा कि क्योंकि MS Office बहुत बड़ा चैप्टर है ना, तो MS Office वो उतना बड़ा चैप्टर मैं पढ़ाना चाहती थी। लेकिन बच्चों का ये कहना है कि मैम आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि सबको सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है, हम लोगों को कंप्यूटर का सी भी नहीं आ रहा है। तो आई वाज लाइक कि हाँ ये भी हो सकता है। तो मैंने सोचा कि, और बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि मैम व्हाई डोंट यू जस्ट स्टार्ट अ पेड क्लास और यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस लो, मुझे वो भी सही लगा। लेकिन बहुत सारे इतने बच्चे गरीब होते हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते पेड क्लास। तो देखो आप लोगों का MS Office जो होगा ना, जो एक्सेल है आपका, ठीक है, MS Office में आपका है MS का आपका पावर पॉइंट, ठीक है, पावर पॉइंट है आपका, वर्ड है एंड एक्सेल है, ये तीनों जो बड़े पोर्शन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एम रेलवे यूट्यूब चैनल पे ही मिलेंगे आपको, ठीक है, एम रेलवे यूट्यूब चैनल पे ही मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आप लोगों ने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और हम कम से कम 2000 questions, ठीक है, 2000 MCQs करेंगे सिर्फ इस सिंगल सब्जेक्ट के, क्योंकि 25 मार्क्स कम नहीं होते, ठीक है, 25 मार्क्स कम नहीं होते, और हमको चाहिए ये 25 मार्क्स, क्योंकि ये हाथ के मार्क है ऐसे, मतलब लाइक कि ये बहुत ही स्टैटिक पोर्शन है, इसमें कुछ इधर उधर नहीं होता, जैसे डायनामिक पोर्शन होता है ना करंट अफेयर, कितना भी पढ़ के जाओ कम लगता है, वैसा नहीं है इसका, तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी अगर कोई मुझसे बेसिक से पढ़ना चाहता है तो 10 अगस्त से मैं सोच रही हूँ कि 10 अगस्त से, ठीक है, 10 अगस्त से शुरू कर दिया जाए आपका कंप्यूटर नॉलेज का कोर्स ऑन माई एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मेरा ऐप डाउनलोड करने की, वो सारी जानकारी मैं बाद में दे दूंगी, लेकिन 10 अगस्त से शुरू करूंगी। ये बात ध्यान में रखो कि बेसिक से हम पढ़ रहे हैं, तो कम से कम मुझे पूरा 1 महीना लग जाएगा उसको खत्म करने में, ठीक है, साथ ही साथ पैरेलल बेसिस पे आपके MCQs चलते रहेंगे यहाँ पर, तो वो MCQs भी आपको करना है। तो ये इतना कर सकती हूँ मैं। अगर आप बोलोगे कि मामा बस अब इतना मत बोलो कि भाई ये भी करा दो वो भी करा दो, एक इंसान से उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऑलरेडी देखो ऑलरेडी आपका कोर्स चल रहा है यहाँ पे जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम का, जिसमें हमने हिस्ट्री खत्म कर दिया है, पॉलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, स्टैटिक जीके खत्म हो चुका है, अब हम बायोलॉजी और ज्योग्राफी की और बढ़ रहे हैं। तो प्लीज आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स लेने की कोशिश करो, ऐसा मत समझो कि सब कुछ मैडम ही करा के देगी, स्पून फीडिंग होगी, स्पून फीडिंग लिटरली कोर्स में हो रही है, बच्चों को पूछो आप लोग, कुछ भी ऐसा नहीं रहता है जो मैं छोड़ती हूँ, सब कुछ पढ़ा देती हूँ, इर्द गिर्द 360 डिग्री पूरा व्यू दे देती हूँ बच्चों को, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं, और मेरा ये भी कहना है कि मैंने इकोनॉमिक्स उसमें ऐड नहीं किया, तो मैं सोच रही हूँ कि कंप्यूटर लिटरेसी या फिर कंप्यूटर नॉलेज कहो, ये पढ़ाने के बाद यूट्यूब पे इकोनॉमी में फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाऊँ सब JCA के जो बच्चे हैं, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के जो बच्चे हैं उन सबको। तो आपका काम क्या है कि आपका काम इतना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितने भी मेरे वीडियोज आते हैं वो सबको शेयर करना है, जितने ज़्यादा व्यूज आएंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम भी इंसान है, मशीन नहीं है भाई। अगर आप अच्छे से मोटिवेट करोगे सामने वाले को तो वो
100% अपना देने की कोशिश करेगा, और अगर आप डिसरिस्पेक्ट करोगे या फिर जितना दे रहे हो उसके लिए भी ग्रेटफुल नहीं हो और भी मांगोगे, तो सामने वाले को लगता है यार इन लोगों को कोई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये एक स्टूडेंट रहते हुए भी पूरे सब्जेक्ट जो है डेफिनेटली 100% करके नहीं जाते, और एक टीचर से ये एक्सपेक्ट करते कि सारे सब्जेक्ट वो पढ़ा दे, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और उसके बावजूद भी देखो मैंने बहुत सारा आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश की है, स्पेशली जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए मैं बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हूँ। रोज सुबह आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पैसेज मिल जाता है, ठीक है, पैसेज मिल जाता है। अब मुझे पता नहीं कि कितने लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो सॉल्व कर रहे हैं ना उनको रियल एग्जाम में इतनी ज्यादा हेल्प होगी, लिटरली आप लोग मुझे याद करोगे वहां पे, ठीक है। सेकेंडली जिन लोगों ने जूनियर जो हमारा जीए का कोर्स है वो अगर इनरोल कर रखा है तो उन लोगों को पता है कि भाई कितना बढ़िया पढ़ाया जा रहा है। इवन एग्जाम में देखो, एग्जाम में आपके क्वेश्चन फंसेंगे, मतलब फंसेंगे, अगर नहीं किया है, ठीक है, नहीं किया है वो ज्वाइन तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो सारा कंटेंट यहाँ पर पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यूट्यूब का कैसा होता है कि अगर आप पढ़ा भी रहे हो, ठीक है, मैंने बहुत सारा मेरा पेड का कंटेंट यहाँ पर भी अवेलेबल है फ्री में, लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, फ्री को उतनी अहमियत नहीं देते, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि फ्री की अहमियत नहीं है। दैट्स व्हाई यूट्यूब भी क्या करता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है कि वो वीडियोस दबा देता है, वो वीडियोस दब जाता है, फिर किसी को दिखता नहीं है। दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ कि अगर बहुत बड़ा कंटेंट यहाँ पे पढ़ाना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप लोग मेरे कोर्स को ज्वाइन कर लेना अगर नहीं ज्वाइन किया है तो, क्योंकि बहुत मुश्किल होगी आगे, बिकॉज ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाली, हार्ड के साथ साथ कहूँ मैं स्पेशली ये एग्जाम में कंपटीशन हाई लेवल का है, ठीक है, हाई लेवल का कंपटीशन है। तो प्लीज 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 अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए अगर नहीं शुरू की है, और लेट लतीफ हो कोई और ये वीडियो देख रहे हो एग्जाम की डेट आने के बाद या एडमिट कार्ड आने के बाद, फिर भी मैं आप लोगों को कहूंगी कि जितने भी मेरे वीडियोज है वो 1.5x के स्पीड पे देख लो, हो जाएगा आप लोगों का, ओके। चलो बहुत 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 हो गई बातें, कंप्यूटर नॉलेज वाला जो कोर्स है वो 10 अगस्त को मैं रिलीज कर दूंगी ऑन माय एंड्रॉइड एप्लीकेशन, प्लीज वहां जाकर ज्वाइन कर लेना, 25 मार्क्स चाहिए तो, अदरवाइज फिर तो भाई पछताने में कोई फायदा नहीं है, टाइम निकल जाने के बाद लोग पछताते हैं और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती वो चीज़, तो प्लीज जाकर ज्वाइन कर लेना, ओके। देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या होता है, तो आर्टिकल 76, ठीक है, हमारा संविधान का आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कहता है कि देयर शैल बी अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये पोस्ट होती क्या है, इस पोस्ट का मतलब होता है वकील, ठीक है, अटॉर्नी जनरल कुछ नहीं होता है, यूनियन गवर्नमेंट का वकील होता है, सीधे शब्दों में बताए, एक लाइन में बताए तो ये होते हैं यूनियन गवर्नमेंट, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके वकील होते हैं। अब इनसे इर्द गिर्द जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अभी दे दूंगी मैं। तो देखो यूनियन गवर्नमेंट के जो वकील होते हैं वो उन्हें कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो मैम कोई भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है, कैसे नहीं, जो इंसान, ठीक है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, जो इंसान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज बनने लायक है, मतलब उसको इतना नॉलेज है, हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज बनने के लिए क्या क्राइटेरिया, ये इसके पहले के क्लासेस में पढ़ रखा है, ठीक है, तो वो अगर ये एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ है इनके पास, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सॉरी, वो व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अटॉर्नी जनरल बन सकता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है। आर्टिकल 76 में ये लिखा गया है, कहाँ पर, आर्टिकल 76 में ये लिखा गया है। तो आपको क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो ध्यान रखना है, अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज शैल बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कहाँ लिखा है, आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो इसका, इनका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है, हमारे जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है। और इनका कोई, देखो कोई भी वकील है, जैसा आप किसी तरह के कोई केस लड़ रहे हो, ठीक है, आपके घर में कोई किसी तरह का प्रॉब्लम है और वो केस लड़ा जा रहा है, तो आप किसी वकील के पास ही जाओगे ना, ऑब्वियसली है। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ अगर कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई एक सिंगल पर्सन ही हो, केस लड़ रहा है, तो क्या मोदी जी वहां पर काला कोट पहन के जाएंगे क्या मुकदमा लड़ने के लिए? नहीं, वकील चाहिए, उतना नॉलेजेबल पर्सन चाहिए वहां पर जाकर बात करने के लिए, लीगल सारी चीजें हैंडल करने के लिए कोई चाहिए वहां पे। इसी वजह से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बनाई गई, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से ये वकील है। अब आप मुझे बताओ कि किसी तरह का अगर कोई केस चल रहा है आपका, ठीक है, तो आप क्या आपका वकील चेंज करते हो, क्या वही रहता है?
क्या आपके वकील को आप फिक्स सैलरी देते हो कि हर महीने इतनी सैलरी है बाबा तुम्हारी ऐसे? नहीं, हम क्या करते हैं, उस वकील को फीस देते हैं। फीस किस बात की देते हैं, जिस बात पर, मतलब कि जब जब भी हेयरिंग हो रही है, जब जब भी वहां पर मुकदमा चल रहा है, जब जब भी हमारा वकील जा रहा है कोर्ट में, उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उनको फीस देते हैं। आर्ली बेसिस पे दो, मंथली बेसिस पे दो, या फिर जो भी डे बेसिस पे है, लेकिन हम उनको फीस देते हैं, हम उनको सैलरी नहीं देते हैं। उसी तरह से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, इनको भी कोई सैलरी नहीं होती, इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, इनकी होती है फीस। जैसे कि अगर इनको दिल्ली के बाहर, ठीक है, इनको दिल्ली के बाहर केस लड़ने जाना है, सपोज ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि केरला के हाईकोर्ट में इनके ऊपर मुकदमा चला सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, तो यहाँ के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केरला जाकर अगर वो केस लड़ रहे हैं तो उनको एक दिन के 40,000 रुपये फीस देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एक दिन के 40,000 रुपये फीस देती है। अगर किसी लीगल मैटर के ऊपर हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने किसी तरह का कोई सजेशन भी दिया, सिंपल एक सजेशन भी दिया, तो 10,000 रुपये उनको उस सजेशन के लिए पर आर के बेसिस पे कुछ मिलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। आप लोग विकिपीडिया पर एक बार सर्च कर लेना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो भी फीस है, ठीक है, फीस है, काम के हिसाब से फीस का पूरा एक बायोडाटा वहां पे दे रखा है, पूरा अच्छे से दे रखा है, तो प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना वो चीज, ठीक है। और कहीं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने नहीं निकल जाना, हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जूनियर कोर्ट असिस्टेंट बनना है, तो यहाँ पर ये ध्यान दो, क्योंकि फीस, क्योंकि इनका जो ये है ना, क्या मतलब, जो पैसा आ रहा है वो इतना ज्यादा है कि कभी कभी हमको भी लग जाता है कि कर क्या रहे हैं हम लोग, इस तरह का होता है, आप लोग जाकर देखना। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना इतना आसान नहीं है, सबसे पहले तो इतना नॉलेजेबल पर्सन चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए, और लॉ का इतना ज्यादा, इतना बड़ा जानकार होना चाहिए, तभी जाकर आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनते हो, ठीक है। ये आर्टिकल 76 में दिया है, तो इनकी कोई सैलरी नहीं होती, नो फिक्स्ड सैलरी, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसी वजह से मैं इतना डिटेल में बता रही हूँ, नो फिक्स्ड सैलरी, नो फिक्स्ड टेन्योर। अब ये क्या चीज है, ये क्या बला है, तो देखो, नो फिक्स्ड टेन्योर मतलब इनका कोई भी ऐसा कोई कार्यकाल नहीं होता कि 5 साल के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, या 6 साल के लिए बना दिया, या 7 साल के लिए बना दिया, नहीं। वकील है भाई, वकील को हम कब बुलाते हैं, जब हमें जरूरत हो। अगर हमारा कोई केस ही नहीं चल रहा है तो वकील को बुलाने की जरूरत ही क्या है, हम उन्हें अपॉइंट कर देंगे, उनको बोलेंगे कि देखो तुम हमारे, जैसे फैमिली डॉक्टर है, हम क्या कहेंगे कि आप हमारे फैमिली डॉक्टर हो, तो जब भी हम, हमारे घर में कोई बीमार पड़ेगा तो आप आके चेकअप करा लो, ठीक है, आप आके चेकअप करो और फीस लेकर जाओ। उसी तरह से जो वकील है उनको भी कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, जब हमें जरूरत पड़ती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें बुला लेती है, उनकी अपॉइंटमेंट लेती है, उनको कहती है कि इस तरह का मुकदमा चलाना है हमें, वो मुकदमा चलता है और इनको फीस मिल जाती है। तो इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं, इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं, लेकिन इनको फीस मिलती है, ठीक है, इनको फीस मिलती है। और जो प्रेसिडेंट साहब इनको जो अपॉइंट करते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति जी इनको जो अपॉइंट करते हैं, तो ये इनके प्लेजर पे ही रहता है, मतलब अगर प्रेसिडेंट साहब चाहे तो इन्हें रातों रात उनके पोस्ट से हटाकर किसी और को उस पोस्ट पे अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका वकील सही से काम नहीं कर रहा है तो आप उसको हटा सकते हो ना, तो ये सिंपल है। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्या आपकी जो आपकी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनका कोई टेन्योर होता है क्या, तो आपको ऑप्शन देखना है नो टेन्योर, वरना सोचो कि 5 साल के लिए होगा, 10 साल के लिए होगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ओह माय गॉड, बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि अब ये कोई वकील है आपका, ठीक है, ये आप ए हो और ये आपका वकील है बी, तो आज ये आपका वकील है, सपोज 2022 में आपका ये वकील है, तो जो भी केस चल रहा है आप उसको सारी चीजें सच सच बता दोगे, जितना भी ट्रूथ है, ठीक है, जो भी आपने घपला कर रखा हो, जो भी आपने किसी भी तरह का घोटाला कर रखा हो, कुछ भी कर रखा होगा, आप सब कुछ उसको बता दोगे। तो ये क्या है, ये व्यक्ति तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ना, इसको इसके सीक्रेट्स पूरे पता चल गए। एक दिन अगर ये इंसान का टेन्योर खत्म हो रहा है, या फिर इसको हटाकर हम किसी और इंसान को ही अपॉइंट कर रहे हैं एज आर वकील, ठीक है, एज आर एडवोकेट, हम अगर उसको यहाँ पर अपॉइंट कर रहे हैं किसी और को, तो क्या ये बी बंदा हमारे खिलाफ, ठीक है, क्या ये बी बंदा हमारे खिलाफ ही खड़ा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये मतलब इथिकल नहीं है, ये अनइथिकल है, इलीगल है,
क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे राज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पता होते हैं, या कहो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सारी इंफॉर्मेशन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उनकी पूरी जिंदगी में, ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर एवरीथिंग, कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं लड़ेंगे। जब वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते तो अपना ही इंसान कैसे ही अपने खिलाफ कोई किसी तरह का मुकदमा लड़ेगा, वो तो एकदम ही इलॉजिकल बात होगी। लेकिन आफ्टर लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं रहते हुए भी क्या वो इंसान सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ किसी तरह का मुकदमा लड़ सकता है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता है। सिंपल बात है, ये बहुत ही ज्यादा अनइथिकल बात होती है। लॉ इसको नहीं मानता है, कानून इसको नहीं मानता है। कानून कहता है अगर कोई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन गया एक बार, तो वो कभी भी जिंदगी में सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी तरह का मुकदमा नहीं लड़ेगा, ठीक है, किसी भी तरह का मुकदमा नहीं लड़ेगा। तो मैम आप क्या बोल रही थी कि इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, इनको सैलरी नहीं मिलती, इनकी फीस रहती है, इनका सब है, ठीक है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इन्हें रातों रात उनके पोस्ट से निकाल सकते हैं, उनको रीअपॉइंट कर सकते हैं, किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो मैम क्या ये अपनी पर्सनल प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं? क्या ये दूसरे केसेस ले सकते हैं दरमियान ये जो भी टाइम पीरियड है इनको? जी हाँ, ये अपनी पर्सनल प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर चाहे कि मैं अपनी पर्सनल प्रैक्टिस पैरेलल बेसिस पे चालू रखता हूँ, तो आप पर्सनल प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। पर्सनल जो आपकी प्रैक्टिस है वो चालू रह सकती है, कोई भी आप केस लड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे वही बात आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी केस ना लोगे ना ही लड़ोगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए केस लड़ोगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए केस लड़ोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस लड़ा नहीं जाएगा। तो ये होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कैसा होता है, ये परंपरा चली आ रही है कि अगर सरकार बदलती है तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो रिजाइन कर देते हैं। ये परंपरा है, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं गया है, लेकिन परंपरा की वजह से जितनी भी नई नई सरकारें आती है, जैसे अगर सपोज अभी जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल जी, तो बीजेपी के सरकार के तरफ से है ऐसा समझ लो, ठीक है, उनके उनके पहचान के है, या फिर ऐसा समझ लो कि बीजेपी जो सरकार है उन्होंने उनको अपॉइंट कर रखा है। सिंपल, जो मेजोरिटी में आती वही तो सरकार बनती है, तो उन्होंने उनको अपॉइंट कर रखा है। तो क्या अगली बार 2024 में बीजेपी नहीं आएगी, ठीक है, बीजेपी नहीं आएगी तो के वेणुगोपाल जी हमारे जो अभी के, ठीक है, के वेणुगोपाल जी अभी की जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, क्या वो रिजाइन कर देंगे उनकी पोस्ट से? तो एज सच कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि न्यू गवर्नमेंट आने के बाद इनको हटा देंगे और किसी और को बिठाएंगे। अगर इनका काम बहुत बढ़िया है ना, तो इनको ही वहां पर रखा जाएगा विदाउट अ डाउट, ठीक है, इनको ही वहां पर रखा जाएगा। लेकिन परंपरा ऐसी चलती आ रही है कि अगर इलेक्शंस होते हैं और सरकारें बदलती है तो जो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो रिजाइन कर देते हैं, ठीक है, जो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो रिजाइन ही कर देते हैं। तो ये सारी चीजें। सेकंड, इनका काम क्या होता है? एक तो देखो इनका काम है कि गवर्नमेंट की तरफ से लड़ना, दूसरा इनका काम होता है कोई लीगल मैटर है, ठीक है, कोई लीगल मैटर है तो अब कानून का कोई मामला है तो कोई कानून जो जानता है वही इंसान बता पाएगा। उसी तरह से किसी तरह का कोई लीगल मैटर अगर है तो प्रेसिडेंट को सलाह देने का काम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है। लीगल मैटर का कोई एडवाइस वगैरह देना है प्रेसिडेंट को तो वो सलाह देने का काम यही करते हैं। और लीगल मैटर में किस तरह के दस्तावेज बनाने हैं, कागज पत्र जो जो होते हैं, वो सारी चीजें देखने का काम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही करते हैं। तो सिंपल अगर कहूँ मैं तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ही इज रिप्रेजेंटिंग, अरे बाबा कैसे लिख दिया मैंने, ही इज रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट इन कोर्ट्स, ठीक है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो, कोई हाई कोर्ट हो, कोई लोकल कोर्ट ही क्यों ना होता है, तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने का कौन सा चेहरा है? तो वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ना कि मोदी जी। मोदी जी हर जगह जाकर काला कोट पहनकर केस नहीं लड़ सकते, सिंपल बात है। तो इतना तो हमको दिमाग लगाना ही होगा कि भाई कौन लड़ता होगा फिर इनका केस, तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लड़ते हैं। अब इतने बड़े देश का वकील बनना है तो इनकी तो टीम होगी ऑब्वियसली। तो इनकी टीम में देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के टीम में आपके एक होते हैं सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल, और चार, ठीक है, ये है फोर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो ये जो है पूरी पांच लोगों की टीम, और अटॉर्नी जनरल को मिला दोगे तो छह लोगों की टीम एक्चुअल में सरकार के लिए लीगल मैटर्स में काम करती है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनको सहायता करने के लिए एक होता है आपका सॉलिसिटर जनरल, और सॉलिसिटर जनरल के साथ साथ और चार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ये सब मिलके हमारे अटॉर्नी जनरल की हेल्प करते हैं, और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं, देश का कोई भी मामला हो, वो कहीं भी किसी भी कोर्ट में मामला हो तो वो रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट कौन करते हैं। तो याद रखना है, पांच लोग असिस्ट करते हैं, चार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और एक सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। और ये जो है देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसी भी सदन के मेंबर नहीं होते, मतलब ना लोकसभा के मेंबर है ना ही राज्यसभा के मेंबर है, लेकिन इन्हें पूरा अधिकार होता है कि किसी भी सदन में, राज्यसभा में जाकर बैठ जाए या फिर लोकसभा में जाकर बैठ जाए, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि देखो, अगर आपको किसी भी सदन में जाकर बैठना है, फिर वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, आप ऐसे ही मुंह उठाकर जाकर नहीं बैठ सकते। क्या मैं और आप जाकर बैठ सकते हो? नहीं। वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, एमपी बनना पड़ेगा, तब जाकर हम वहां बैठेंगे ना। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को इतना क्यों प्रिविलेज, वो क्यों जाकर वहां पे बैठ सकते हैं? सिंपल बात है कि अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से लड़ रहे तो इनको पता होना चाहिए कि किस तरह की प्रोसीडिंग हो रही है, कहाँ पर गलती हो रही है, किस तरह का कोई अगर इशू चल रहा है तो वो इशू देखने के लिए आप घर में तो जाओगे ना। अगर जैसे अगर आप फैमिली डॉक्टर हो, कोई बीमार है तो उसको जाकर चेक तो करोगे ना, या फिर उसको बुलाकर आपके यहाँ अपॉइंटमेंट देके चेकआउट करोगे, उसी तरह से मतलब चेकअप करोगे, फिर कुछ किसी तरह की प्रोसीडिंग हो तो वो दोगे। सिंपल है। तो अगर किसी तरह की प्रोसीडिंग चलानी है और आपको आपको वो जानना है कि कहाँ पर गलती हो रही है, तो आपको रूट कॉज देखना पड़ेगा। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बिना मेंबर होते हुए भी राज्यसभा लोकसभा दोनों की भी प्रोसीडिंग में शामिल हो सकते हैं, ये इनका राइट है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों को, पता है क्या क्या क्वेश्चन बनता है? क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राज्यसभा और लोकसभा की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो जी हाँ, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इन्हें किसी भी तरह का वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। ही कांट वोट इन एनी बिल, किसी भी तरह का अगर कोई बिल, कोई प्रस्ताव अगर वहां पर शामिल हो रहा है, किसी तरह का प्रस्ताव वहां पर पारित हो रहा है, तो उस प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग देने का अधिकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नहीं होता है। ही कैन नॉट वोट। दो चीजें हैं याद रखना है, भले ही मेंबर नहीं है लेकिन सारे दोनों भी सदनों में जाकर बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। और ये अपनी पर्सनल जो प्राइवेट इनकी प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। और अभी जो है, ठीक है, प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल जी, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, के वेणुगोपाल जी। और आपके पहले फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो ये आपके थे MC सेतालवड, ठीक है, MC सेतालवड। तो ये पहले थे, तो पहले भी याद रखो, प्रेजेंट में कौन है वो भी याद रखो। अब ये जो प्रेजेंट वाले हैं, ये 2024 तक तो चेंज नहीं होंगे, ये अच्छी बात है क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी हो जाएगा तो आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन पहला और अभी वाला याद रख लोगे तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज एक मार्क के लिए अगर आ जाता है तो इससे बढ़िया कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिस तरह से सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे भी इसी पोस्ट को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल, AG, ठीक है, अटॉर्नी जनरल दैट्स। तो दोनों भी चीजें आपको याद रखनी है, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल काम करता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कुछ भी इतना डिफरेंस नहीं है। जो जो ये काम करते हैं उसी तरह से ये भी काम किया जाता है,
सिंपल ये भी जाकर प्रोसीडिंग में बैठ सकते हैं, विधानसभा हो या विधान परिषद हो जाकर बैठ सकते हैं, जो एजी होता है स्टेट का, अटॉर्नी जनरल जो है वो सारी चीजें। तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा कि अटॉर्नी जनरल नथिंग बट वकील है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उनको किसी भी तरह की कोई भी सैलरी नहीं होती, फिक्स टेन्योर नहीं होता, लेकिन उनकी फीस होती है। और अगर आप फीस देखोगे तो आप खुद ही दंग हो जाओगे, बोलोगे यार घर वालों ने बताया क्यों नहीं, लॉ की पढ़ाई कर लेते, इस तरह से सारी चीजें। ओके, होप सो आप लोगों को ये छोटा सा जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाला टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं तुरंत उसका रिप्लाई कर दूंगी। अगर टाइम पे, अगर मतलब जैसे ही आपका कमेंट आता है तुरंत, अगर मैं ऑनलाइन हूँ तो मैं रिप्लाई कर दूंगी, नहीं हूँ तो बाद में रिप्लाई कर दूंगी, लेकिन रिप्लाई कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। मैं सारों के जो है कमेंट्स देखते रहते हूँ, जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं, सारे जितने भी वीडियोस पे कमेंट आते हैं, मैं सबको पर्सनली रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी यस दे देता है, लेकिन मैं ऑलमोस्ट जितने भी डाउट वाले कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए छोड़ देता है, तो मैम आप उसको रिप्लाई कर दो ऐसे करके, तो वो कमेंट को मैं रिप्लाई दे देती हूँ। और भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो ऑन aimrailway100@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है, @gmail.com। टेलीग्राम का भी आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज देख लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो देख लेना। एंड सेकेंडली आप लोग क्या कर सकते हो कि मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मेरे पर्सनल लाइफ की ग्लिम्सेस देखने को मिलेगी, आज तक वहाँ पे कोई पढ़ने लिखने की बातें या समथिंग नहीं होता, लेकिन मैं जितने भी बुक्स पढ़ रही हूँ, लाइक जैसे मैंने अभी फिलहाल एक बुक पढ़ रखी है द सक्सेस प्रिंसिपल बाय जैक एनफील्ड, तो उसके बारे में एक हाथ दो ऐसे इमेज वगैरह देखने को मिल जाएंगी, पर्सनल लाइफ की ग्लिम्सेस है इंस्टाग्राम पे। लेकिन अगर आपको पढ़ने का ही सिर्फ ये है तो सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो और हमारे यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, दैट्स इट। नॉट ऐसे नहीं कि बहुत सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। और अगर अभी तक हमारा जनरल अवेयरनेस का कोर्स इनरोल नहीं किया है, प्लीज इनरोल कर लो, आप ही के भलाई के लिए कह रही हूँ। अगर लेट हो गया तो फिर आप ही बोलोगे कि यार मैम ने जल्दी बताया क्यों नहीं, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए आप लोगों के साथ, इस वजह से मैं कह रही हूँ। और जब भी इनरोल कर लोगे तो पूरा एक सिलेबस, एक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद ही दूसरा सब्जेक्ट चालू करो, पैरेलल बेसिस पे चालू करना है तो जब करो, जब आपके पास टाइम ही नहीं है तब पैरेलल बेसिस पे चालू करो। लेकिन अगर हो चुका है एक सब्जेक्ट, टाइम है आपके पास, तो एक सब्जेक्ट खत्म करके दूसरे सब्जेक्ट पे उड़ी मारना है, ठीक है। ऐसे उड़ी मारना मतलब जंप करना है, ऐसे मत समझो कि इधर एक तरफ चल रहा है हिस्ट्री, हिस्ट्री की एक क्लास देख ली फिर पॉलिटी की एक क्लास देख ली, ऐसे मत करो। हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री देख लो, फिर पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है पॉलिटी देख लो, फिर ज्योग्राफी, इस तरह का देखते चलो। और आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।